हेलो गाइस, मैं दिव्यांश निशित एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मेरी तरफ से आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड आई होप एंड आई विश कि इस साल हम लोग जो भी अपने टारगेट्स या जो भी अपने गोल्स लेके चल रहे हैं, इस साल वो हम उन गोल्स को, अपने अचीवमेंट्स को अकम्प्लिश कर सकें, उनको हम पा सकें, राइट। बट उसके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर कुछ नया, कुछ बड़ा पाना है, उसके लिए हमें भी कुछ नया और कुछ बड़ा करना पड़ेगा, अपने अंदर बदलाव। मैं बदलाव की बात कर रहा हूँ, बिकॉज जो चीजें अभी तक चली आ रही थी उनके चलते वो अचीवमेंट हम नहीं कर पाए, तो इट मींस कि हमें भी कुछ अपने अंदर चेंजेस करने पड़ेंगे। तो अकॉर्डिंगली जो भी रिक्वायर्ड चेंजेस हों उन पर थोड़ा सा काम करिए। डेफिनेटली ये साल में आप जो भी सोचेंगे, जो भी चाहेंगे, जो भी आपके गोल्स होंगे, उनको आप अचीव कर पाएंगे, राइट। चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ से अपने सेशन की। आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं जीन पियाजे की थ्योरी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, चाहे वो हमारा कोई भी एकेडमिक एग्जाम हो या कोई भी टीचिंग का कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एटलीस्ट 2 मार्क्स ये कैरी करके आता ही आता है, 2 से 3 नंबर भी हो सकते हैं। जो भी थ्योरीज हमारी इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजी में, तो उनमें से एक जीन पियाजे की थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत आसान भाषा में, आसान शब्दों में जैसे अभी तक समझते आए हैं वैसे ही समझेंगे, कोशिश पूरी करूंगा। चलिए, तो जीन पियाजे की जब थ्योरी की बात आती है, तो वो थ्योरी जानी जाती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के नाम से, राइट, यानी संज्ञानात्मक विकास। अब ये संज्ञानात्मक विकास होता क्या है? कॉग्निशन है क्या एक्चुअली? तो देखिए, संज्ञानात्मक विकास को अगर आप देखते हो, तो यहाँ पे एक टर्म हमको ये मिलता है संज्ञान, राइट। तो संज्ञान क्या है? संज्ञान मतलब किसी भी चीज के बारे में हमें जब पता चल जाए, राइट। सपोज मुझे नहीं पता था कि ये अभी तक मार्कर है, बट ठीक है, मेरे सामने आया, मुझे इसका यूज पता चला, फिर मुझे पता चला ये मार्कर है, इसका इस तरीके से यूज होता है, राइट। देन मुझे पता चल रहा है कि ये क्या है, व्हाइट बोर्ड मार्कर है, राइट। इन द सेम वे कोई भी चीज जब एक बच्चा होता है, ऑब्वियसली यहाँ पर बात एडल्ट की नहीं होगी, यहाँ पर बात होगी बच्चे की, राइट। क्योंकि जीन पियाजे की जो भी थ्योरी है, ये थ्योरी है बच्चे के बायोलॉजिकल डेवलपमेंट में, जो भी उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास होता है उसके बारे में, ठीक है। तो बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है, वो धीमे धीमे चीजों से परिचित यानी फैमिलियर होता जाता है, और उसको पता चलता जाता है ये चीज क्या है, है ना। तो इन द सेम वे ये हो गया हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कॉग्निशन उसके अंदर कैसे कैसे डेवलप होता है जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है, राइट। सबसे पहले पैदा होगा 1 महीना 4 महीना 8 महीना, राइट। इन द सेम वे जब वो बड़ा होता जाता है, तो उस पर इन्होंने कुछ स्टेजेस पे बात करी है, उन स्टेजेस को भी देखेंगे। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हमें टर्म समझने बहुत जरूरी है जब बात आती है जीन पियाजे की थ्योरी की। वो टर्म्स हमारे हैं स्कीमा, एसिमिलेशन यानी आत्मसातीकरण, एकोमोडेशन यानी समायोजन, और इक्विलिब्रेशन यानी संतुलन या साम्य धारण की अवस्था, ठीक है। चलिए, तो अब सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें जान लेते हैं जीन पियाजे के बारे में। तो यहाँ बात आती है जीन पियाजे की थ्योरी, ये तो हमारी कुछ इंपॉर्टेंट चीज उनके बारे में भी जानने की बन जाती है। दैट इज सबसे पहली चीज की जीन पियाजे का जन्म और मृत्यु का समय, राइट। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं 1896 में की ईयर ऑफ बर्थ है, और उसके बाद 1980 में इनकी डेथ हो गई थी, राइट। तो ये इनका टेन्योर था, 1896 में पैदा हुए, 1980 में इनकी डेथ हुई थी। एंड उसके बाद अगला पॉइंट जो आता है, दैट इज ये एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे, राइट। स्विस साइकोलॉजिस्ट यानी एक स्विस मनोवैज्ञानिक, राइट, यानी ये स्विट्जरलैंड में जन्मे, बड़े हुए, वहीं इनकी शिक्षा हुई, उस हिसाब से ये स्विस साइकोलॉजिस्ट यानी स्विस मनोवैज्ञानिक थे, ठीक बात है। उसके अलावा जब बात करी थी हम लोगों ने इनकी थ्योरी की, तो थ्योरी में पता है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी जो है वो है जीन पियाजे की थ्योरी, राइट। तो ये तो कुछ बेसिक चीजें थी। हाँ, इसमें एक चीज और थोड़ा सा ऐड ऑन कर लीजिए कि ये जो इनकी थ्योरी है, ये इन्होंने अपने ही बच्चों में ऑब्जर्वेशन करके बनाई थी या दी थी, ठीक है। अपने ही बच्चों पर इन्होंने ऑब्जर्वेशन किया था, इनके 3 बच्चे थे, उन्हीं बच्चों को जैसे जैसे बच्चे बड़े हुए इन्होंने ऑब्जर्व किया, उसी बेसिस पे इन्होंने थ्योरी दी कि बच्चा जब भी बायोलॉजिकली बड़ा होता है, तो उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास किस तरह से होता है, राइट। चलिए, इसके साथ ही में एक इंपॉर्टेंट चीज और जाननी जरूरी है, इन्होंने ही बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक बोला था, ठीक बात है, यानी लिटिल साइंटिस्ट। तो ये बेसिक चीजें हैं जो कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, तो आपके ध्यान में होना जरूरी है।
लिटिल साइंटिस्ट है, नन्हे वैज्ञानिक, किसने कहा था? तो वो कहा था जीन पियाजेट है। ठीक बात है, तो आई होप इतनी चीजों में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो ये तो हमारी बात बेसिक्स ही होगी जीन पियाजेट के बारे में, इनकी थ्योरी के बारे में। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट टर्म्स, जो इनकी थ्योरी में जाने से पहले, उनकी जो फोर स्टेजेस इन्होंने दी, उन स्टेजेस को जानने से पहले हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज टू अंडरस्टैंड दीज फोर टर्म्स, राइट। पहला हो गया स्कीमा, असिमिलेशन, एक्मोडेशन एंड इक्विलिब्रेशन। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्कीमा की, स्कीमा क्या होता है। तो गाइस ध्यान दीजिएगा, स्कीमा क्या हो गया, जब स्कीमा की बात होती है तो एक तरीके से इसको आप कह लीजिए सोचने का, बच्चे के सोचने का एक ढंग, राइट, सोचने का ढंग जब वो डेवलप होता है। जैसे जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, थोड़ा थोड़ा समझदार होता है, उसके सामने किताबें आती हैं, तो उसके पेरेंट्स उसको बताते हैं कि अगर इस आकृति की कोई चीज दिखती है तो ये क्या है, ये एक पेड़ है, राइट। या ऐसे मान लीजिए कोई चार पैर एक पूंछ वाला कोई जानवर उसमें बुक में दिखाई देता है तो क्या बताते हैं, ये कुत्ता है, डॉग है, राइट। इसी तरीके से बिल्ली हो सकती है, इसी तरीके से पतंग हो सकती है, चिड़िया हो सकती है। लेकिन मतलब ये हुआ कि जब बच्चे के दिमाग में चीज क्लियर हो जाती है, अच्छा पतंग है तो पतंग इस तरीके से दिखाई देगी, है ना, या चिड़िया है, चिड़िया इस तरह से दिखाई देगी, जो भी उसने अपने हिसाब से या उसके पेरेंट्स ने उसको समझाया और उसने अपने दिमाग में वो चीजों को ढाल लिया। यानी पेड़ का नाम आएगा तो वो इमीडिएट उसके दिमाग में इमेज क्रिएट हो जाएगी, वो कुछ इस तरह की। कुत्ते का नाम आएगा तो उसके दिमाग में कुत्ते की इमेज आ जाएगी, पतंग का आएगा, चिड़िया का आएगा, वैसी उसकी इमेज क्रिएट हो जाएगी। तो ये बेसिकली है स्कीमा, जो छोटी छोटी उसके जो ज्ञान है ना, उसके नॉलेज है, उसका है संगठन, राइट। ये सारा संगठन ही तो है, वो जितनी चीजों से मिल रहा है, जितनी चीजों से वो परिचित हो रहा है, उतनी चीजों के बारे में वो जान रहा है कि पेड़ ऐसा दिखता है, चिड़िया ऐसी दिखती है, पतंग ऐसी दिखती है ना। तो ये बेसिकली है स्कीमा, राइट। उसके बाद बात आती है असिमिलेशन की, यानी आत्मसातीकरण की। ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा एग्जाम्पल इसका मैं दे रहा हूँ आपको। सपोज यहाँ पर पेड़ का मैंने आपको फिगर बना दिया, बिकॉज आसान था, डॉग का यार नहीं बना पाऊंगा, ठीक है। तो इसलिए डॉग को आप काम ऐसे चला लीजिएगा। जब बात आ रही है यहाँ पर डॉग की या ट्री की, राइट, या कैट की, समझिए स्कीमा में तो बच्चे को ये पता था कि हाँ कुत्ता कैसा होता है, पेड़ कैसा होता है, बिल्ली कैसी होती है, उसने बुक में अपना देख रखा था, उसके पेरेंट्स ने उसे समझा रखा, ठीक है। अब आती है अगली चीज, असिमिलेशन। जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ, यानी उसी स्टेज में जब उसको थोड़ी थोड़ी चीजें समझ में आने लगी, उसने किताब में देखा और समझा, तब उसके पेरेंट्स उसको घुमाने टहलाने के लिए अगल बगल आस पास के किसी पार्क में लेके गए, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। तो वहां पे उस पार्क में उसने एक चीज देखी कि अच्छा ये डॉग जो मैंने किताब में देखा था कुछ उसकी तरह से एक ही चीज, एक जानवर दिखाई दे रहा है, लेकिन किताब में तो डॉग बहुत छोटा सा था, है ना, और सामने जब देखा तो अरे बाप रे इतना बड़ा डॉग हो रहा है, यानी इतना बड़ा जानवर है। तब उसके पेरेंट्स से उसे बताया कि बेटा ये जो बुक में इसकी इमेज छपी थी वो उतनी बड़ी नहीं छापी जा सकती, इसकी बुक में छोटी सी इमेज छापी जाती है, बट एक्चुअली में डॉग है या कुत्ता है वो इस साइज का होता है, राइट। तो ठीक है, उसने अभी तक ये जाना था कि वो कुत्ता जो होता है वो दिखने में ऐसा होता है, बिकॉज बुक में उसे और कुछ नहीं पता चल रहा था, है ना। तो इसके साथ में जैसे उसने लाइव डॉग को देखा पार्क में, उसके बाद जैसे ही वो कुत्ता उसके पास आता है, पूंछ हिलाते हुए उसको सूंघता है, उसको चाटता है, राइट, तो वो ये देखता है कि अच्छा यानी ये कुत्ता दिखने में तो ऐसा है, बट इसके साथ साथ इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये इसको कहां पता चले, पार्क में, कि ऐसे ऐसे पूंछ हिलाता है, सूंघता है, चाटता है। उसके बाद कोई और स्ट्रे डॉग्स थे वहां पे, उनमें कुछ लड़ाई होती है तो वो कुत्ता उनको देख के भौंकने लगता है, राइट। तो जैसे ये देखता है कि अच्छा ये इस तरीके से भौंकता है, तब उसके पेरेंट्स अगेन उसको बताते हैं ये डॉग है, डॉग ऐसे ही भौंकता है, यानी जैसे हम इंसान अपनी भाषा में बात करते हैं ऐसे ही कुत्ते भौंक के अपनी भाषा में बात करते हैं, है ना। तो इन दैट केस उसको क्या पता चला कि एक जो कुत्ता है उसकी क्वालिटी है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या, भौंकना, सूंघना, चाटना, दुम हिलाना, है ना। तो इस तरीके की जो एक्टिविटीज है ये कुत्ते की होती है। अच्छा Meanwhile, क्या हुआ, वो कुत्ता भौंकते भौंकते चला गया। अब ग्वालियर, ध्यान से समझिएगा, इसका जो स्कीमा डेवलप था कुत्ते के नाम पे, वो असिमिलेशन इसने क्या किया कि इसने ये तो जान लिया था कि कुत्ता ऐसा दिखता है, बट इसमें इसने एक नया ज्ञान को ऐड किया, ठीक है। नया ज्ञान क्या ऐड किया, जो इसके पास ज्ञान था मौजूद, यानी कुत्ता दिखने में ऐसा होता है, ठीक है, लाइफ में भी ऐसा ही है, रियालिटी में भी ऐसे ही दिखता है, लेकिन साथ में क्या इसने ऐड किया कि अच्छा ये भौंकता है, ये पूछ भी हिलाता है, राइट। तो इसने नया ज्ञान अपने पूर्व ज्ञान में ऐड ऑन किया, लेकिन कोई बदलाव नहीं हुआ, है ना, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़ गई। इन द सेम वे
जब उसने पेड़ की बात करी थी तो उसने बुक में ऐसा देखा था, पार्क में जाके देख रहा है पेड़ तो बहुत बड़ा बड़ा होता है राइट, या अलग अलग साइज के अलग अलग शेप्स के पेड़ होते हैं, तो वहां पे उसको पता चल रहा है अच्छा पेड़ इस तरह का होता है, पेड़ पत्तियां भी होती हैं, पेड़ में फल भी होते हैं, तो वो सारी चीजें वो रियलिटी में देखता है राइट। तो इस तरीके से ट्री के बारे में भी उसके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स एड ऑन होती हैं, लेकिन उसका वो कंसेप्ट चेंज नहीं होता है, आप ध्यान रखिएगा पेड़ यही रहेगा। ऐसे ही थोड़ी देर बाद जब कुत्ता चला जाता है तो उधर से टहलती हुई एक बिल्ली आती है राइट, यानी कैट, कैट भी उसके अगल बगल से गुजरती है, तो देखता है कि यार ये तो अगेन चार पैर और एक पूंछ वाला जानवर है, यानी ये भी कुत्ता होगा क्योंकि इसके भी वैसे ही मूंछ है, लेकिन हाँ मुंह की बनावट थोड़ी सी डिफरेंट है। मीनवाइल वो कैट वहां से बगल से निकलते निकलते अपनी भाषा में उसने कुछ बोला, तो बिल्ली कैसे बोलेगी, म्याऊ राइट। जैसे ही इस बिल्ली ने म्याऊ बोला, बच्चा कंफ्यूज हुआ, उसको ये चीज समझ में आई कि अभी तो बताया गया था मुझे और मैंने देखा कि कुत्ता तो भौंकता है, बट इसका तो बोलने का तरीका दूसरा है, यानी ये भौंक तो नहीं रहा, तो ये कौन सा जानवर हुआ राइट। तो यानी जैसे ही बिल्ली उसके सामने आई, उसने अपने पेरेंट्स से पूछा कि मम्मा पापा इसके भी चार पैर है, इसके भी एक पूंछ है, तो ये कौन सा जानवर है, क्योंकि ये कुत्ते की तरह भौंक तो रहा नहीं है। तब इसके पेरेंट्स ने बताया, बेटा इसके भी चार पैर और एक पूंछ होती है, लेकिन ये कुत्ता नहीं है, ये बिल्ली है, और बिल्ली कैसे बोलती है, बिल्ली बोलती है म्याऊ राइट। तो बिल्ली की आवाज से उसको समझ में आ गया कि अच्छा जो म्याऊ बोलेगा और जिसके भी वो चार पैर एक पूंछ होगी वो क्या होगी, वो बिल्ली होगी, वो कुत्ता नहीं होगा। अब ध्यान से समझिए, वही चार पैर एक पूंछ वाला जो उसने कॉन्सेप्ट यहां उसके दिमाग में स्कीमा बना हुआ था, तो वो कुत्ते का था, सपोज उसने कुत्ते को देख रखा था राइट, कुत्ते को उसने सामने से भी देख लिया, तो उसने देख लिया अच्छा कुत्ता होता भी है, तो यानी नया ज्ञान क्या ऐड हुआ कि कुत्ते की जो फोटो हमें पता थी उस कुत्ते की कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी बढ़ गई कि वो भौंकता भी है, वो चलता फिरता या दुम हिलाता है, जो भी है राइट। उसके बाद में जैसे उसके पास बिल्ली आती है, तो उसे पता चलता है कि बिल्ली अच्छा यानी ये कुत्ते से कुछ अलग है, क्यों, क्योंकि ये भौंक ही नहीं, इसने म्याऊ किया राइट। तो इट मींस कि उसको ये पता चला कि हर चार पैर और एक पूंछ वाला जानवर कुत्ता नहीं होता है राइट। ऐसे ही एक बिल्ली का एग्जांपल आप दे सकते हैं, ऐसे ही आप काऊ यानी गाय का एग्जांपल भी आप ले सकते हैं, ठीक बात। यानी जो भी चार पैर एक पूंछ वाला जानवर है वो खाली और खाली कुत्ता नहीं होगा, बिल्ली भी हो सकती है, गाय भी हो सकती है, शेर भी हो सकता है, भेड़िया भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जिससे भी वो मिलता जाएगा। यानी उसने क्या किया, यहां से यहां आया था तो उसने पुराने ज्ञान में कोई परिवर्तन नहीं किया था, कुछ नया ज्ञान जोड़ दिया था राइट, यानी चेंज कोई नहीं हुआ था, बट यहां पे आके उसका पूरा कंसेप्ट क्या हो गया, पूरा का पूरा कंसेप्ट उसका चेंज हो गया राइट। यानी जो पुराना ज्ञान था उसको कुत्ते वाला, वो ज्ञान उसका बदल के क्या हो गया, अब हो गया कि अच्छा चार पैर और एक पूंछ वाली जानवर ये बिल्ली है, क्योंकि ये म्याऊ करके बोलती है, समझ गए। तो मतलब स्कीमा में वो पर्टिकुलर जो उसका दिमाग में सोचने का ढंग था, जो उसको तब तक पता था, वो हो गया स्कीमा। उसके बाद उसने जब कुछ उसमें नया ज्ञान उस चीज के लिए उसमें जोड़ा, जब उसने देखा ऑब्जर्व किया, वो हो गया एसिमिलेशन यानी आत्मसातीकरण। और जैसे ही एक्मोडेशन की बात आई, यानी इस अभी तक के मौजूद ज्ञान में जब उसने और कोई परिवर्तन देखे और उसने देखा कि नहीं यार ये तो कुत्ते से पूरी तरीके से अलग है, यानी कैरेक्टरिस्टिक सेम है, चार है एक पूंछ है, तो इट मींस ये कुत्ता नहीं है, चूंकि मैं आऊ करती इसलिए है बिल्ली। तो यानी इसका पूरा का पूरा कंसेप्ट यहाँ की चेंज हो गया, यानी परिवर्तन हो गया उसके ज्ञान में, और इस परिवर्तन को कहते हैं एक्मोडेशन यानी समायोजन, ठीक बात है। चौथा आता है दैट इज इक्विलिब्रेशन यानी साम्यधारण या संतुलन की अवस्था। यहां पर आप बहुत सिंपल समझ सकते हैं, जब बच्चे को सही या सटीक ज्ञान हो जाए किसी भी चीज का, ठीक है, यानी अब बच्चे को पता चल चुका है कि कुत्ता क्या होता है, बिल्ली क्या होती है, गाय क्या होती है, ठीक बात है, क्योंकि उसने सब सामने से देखा है, उनकी चीजों को देखा है, उनके लक्षणों को देखा है राइट। तो इस चक्कर में अब उसको एकदम सही सही और सटीक ज्ञान हो चुका है कि इनमें अंतर क्या होता है राइट। तो ये होती है स्टेट ऑफ इक्विलिब्रेशन राइट। इसके ठीक पहले अभी उसकी चीजों में उसके कंसेप्ट में साम्य धारण की अवस्था नहीं थी, संतुलन नहीं था, उसको एग्जैक्टली नहीं पता था कि हाँ हर चार पैर और एक पूंछ वाला जानवर क्या होता है या अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो आई होप कि इन चार टर्म्स में अब किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, उम्मीद यही करता हूं। एंड इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट फोर स्टेजेस पे, जो सबसे इंपॉर्टेंट है जी पियाजे की थ्योरी। अब आगे बढ़ते हैं और उन चार अवस्थाओं के बारे में बात कर लेते हैं जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में जीन पियाजे ने बताई थी कि कोई एक बच्चा जब धीमे धीमे बड़ा होता है तो कौन सी चार अवस्थाओं से होकर गुजरता है और उन अवस्थाओं में क्या क्या परिवर्तन होता है, ठीक है। तो चलिए इसको देख लेते हैं, ध्यान से देखिए।
सबसे पहली आपके सामने स्टेज मैंने लिख रखी है, दैट इज सेंसरी मोटर स्टेज, राइट, यानी संवेदी पेशीय अवस्था, अब इसको समझेंगे। दूसरी है प्री ऑपरेशनल स्टेज, दैट इज पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरी है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और चौथी है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पहली चीज की ये अवस्था का समय कहां से कहां तक होता है, यानी संवेदी पेशी अवस्था का समय जन्म से 2 वर्ष तक, ठीक है, यानी बच्चा पैदा हुआ है उसके बाद जब तक वो 2 साल का होता है उस बीच में ये अवस्था रहती है संवेदी पेशी। अब इसको समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। देखिए संवेदी पेशी की जब भी बात आती है, यानी सेंसरी मोटर स्टेज की जब भी बात आती है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो बच्चा होता है वो अपनी 5 इंद्रियों से सीखता है, राइट, यानी आंख कान नाक जीभ त्वचा, राइट, यानी यही जो आपके 5 हमारे ऑर्गन्स होते हैं, राइट, यानी यही जो हमारी इंद्रियां होती हैं, इनसे ही बच्चा सीखता है। तो यहाँ पर सेंसेस आर द टीचर्स, राइट, यानी यहाँ पर यही सेंसेस जो होते हैं, इंद्रियां होती है, यही हमारी शिक्षक का काम करती है। आप ध्यान से सोचो, कोई बच्चा अगर पैदा होता है तो ऑब्वियसली हम सभी घरों में होते हैं तो हम लोग देखते हैं बच्चों की एक्टिविटी क्या होता है कि बस खाली हाथ पैर चलाना है ना, कुछ भी पाया मुंह में डाल दिया, राइट, पकड़ना किसी भी चीज को, चाहे आप कोई भी उसको रैटल दे दो, चाहे आप उंगली दे दो, कुछ भी आप पकड़ाओ तो सबसे पहले पकड़ना, उसको मुंह में रखना है, कानों से सुनता है, आंखों से देखता है, राइट, नाक से स्मेल आती है, तो जो भी है वहां पे उस बच्चे को आपको समझाओगे तब भी वो नहीं समझेगा, वो अपने आप सीखता है कहां से, इन 5 इंद्रियों से, ठीक बात है, हर चीज वो यहीं पर सीखता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है दैट इज नकल यानी इमिटेशन, यानी जो संवेदी पेशी यानी सेंसरी मोटर स्टेज में जो बच्चा होता है वो इमिटेटिव बिहेवियर करता है, यानी जैसे हम उसके सामने करेंगे वो वैसे ही ठीक करने की कोशिश करेगा, यानी वो नकल करता है ना, छोटे बच्चे होते हैं जैसे जैसे बड़े होते हैं। उसके बाद आ जाता है वस्तु स्थायित्व यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस। वस्तु स्थायित्व का मतलब क्या हो गया, बहुत अच्छे से तरीके से इसको समझिए, जैसे वही बच्चा अपने बेड पे बैठा हुआ है खेल रहा है, राइट, उसके बगल में जो रैटल होता है ना उसका झुंझुना टाइप का आइटम एक जगह पर रखा है, दूसरी जगह कोई गाड़ी रखी है, तीसरी जगह कोई गुड़िया रखी है, तो लाइक उसको उसके दिमाग में ये चीज हो जाती है कि अच्छा ठीक है, यानी मेरे बेड पे यहाँ पे झुंझुना रखा है, यहाँ पे गाड़ी है, यहाँ पे गुड़िया है, जो भी चीजें हैं वो वहीं पर उनको मान के चलता है, राइट। तो अगर मान लो उसके बाद हम थोड़ी देर के लिए हटा दें वहां से उन चीजों को, उस झुंझुने को, उन खिलौनों को, तो भी वो बच्चा उन्हीं जगहों पर वो खिलौने वो चीजों को ढूंढेगा, राइट। दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट परमानेंस यानी वस्तु स्थायित्व, की जगह पर वो वस्तु मौजूद नहीं है बट उसके लिए फिर भी वो वस्तु उसी जगह पर मौजूद, ठीक बात है। तो ये है बेसिकली सेंसरी मोटर स्टेज। नेक्स्ट आते हैं प्री ऑपरेशनल में, तो प्री ऑपरेशनल में क्या है, पूर्व संक्रियात्मक, और इसका समय कहां से कहां तक है, 2 वर्ष से 7 वर्ष तक का समय प्री ऑपरेशनल के लिए है, राइट, यानी बच्चा जैसे 2 वर्ष में एंटर करता है और 7 वर्ष होने तक क्या रहता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी होती है उनको देखते हैं। अहम केंद्रित यानी इगोसेंट्रिक, उस बच्चे के अंदर क्या हो जाता है, जब थोड़ा सा इन चीजों को ऑब्जर्व करिएगा कि जब बच्चा 2 से 7 साल के बीच में है तो उस बच्चे के लिए जितनी दुनिया है ना, जो कुछ चल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ उसके ही गिर्द गिर्द चल रहा है, वो अपनी चीजों के अलावा किसी पे फोकस नहीं करता, अपनी चीजों को किसी के साथ उसको बांटना अच्छा नहीं लगता, राइट, मतलब जो कुछ है सर्वे सर्वा वही है, राइट। तो इस तरीके से जितना उसका ईगो सेंट्रिज्म जिसको बोलते हैं हम, तो वो उस समय अहम केंद्रित होता है, सब कुछ सारा का सारा उसका फोकस अपने ऊपर, कि वो जो कहे वो सब हो जाना चाहिए, राइट। ओके, नेक्स्ट आता है जीववाद यानी एनिमिज्म। एनिमिज्म का मतलब क्या हो गया, इस एज ग्रुप में उस बच्चे के पास सपोज मान लीजिए एक गुड़िया है, ठीक है, तो एक बच्ची है उसके पास उसकी गुड़िया होती है, तो उसको कैसे वो खिलाती है, एकदम ऐसे खिलाती है जैसे उस गुड़िया में जान है, राइट। इसी तरीके से कोई अगर बंदर है या कोई कुत्ता है तो उसको एकदम उस तरीके से लोग रखते हैं, या कोई भी चीज ऐसी उनके पास अगर मौजूद होती है तो उसको ऐसे लोग रखते हैं ना संभाल के, या उसके साथ ऐसा बिहेव करते हैं जैसे वो सजीव है, राइट। तो इसलिए इनको ये लगता है इस एज में कि जो भी चीज है उनके लिए सजीव निर्जीव का कोई मतलब ही नहीं है, राइट, कि किसी चीज में जान है या नहीं, उनके लिए हर चीज में जान है ना। जैसे होता है कि बच्चा अगर जमीन पे गिर गया तो बाद में मम्मी पापा या जो भी बड़ा होता है वो जमीन को मारते हैं कि अब देखो जमीन ने चोट लगा दी भैया को और फलाना ढमाका, है ना, ये बहुत सारी चीजें होती है जब बच्चों के साथ लोग होते हैं, है ना। तो ये बेसिकली हो गया जीववाद कि उनको लगता है कि अच्छा हाँ ठीक है जमीन को मारा, जमीन को चोट लगी होगी और वो खुश हो जाते हैं और चुप हो जाते हैं, है ना। ओके, नेक्स्ट आता है दैट इज अपलटावी, दैट इज इररिवर्सिबिलिटी।
इररिवर्सिबिलिटी का मतलब क्या हो गया, जैसे यहां पर अगर आपको कुछ बताना है तो आपने बताया कि 2+4=6 राइट, तो बच्चे ने ये तो सीख लिया, अच्छा 2+4 एडिशन जो है 2+4=6, लेकिन अभी अगर यही बोल दिया जाए कि 6-4=2 राइट, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, या अगर यहीं पर बोल दिया जाए 4+2=2 क्या होगा, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, बिकॉज उसको रिवर्सिबिलिटी नहीं पता है, उसको ये नहीं पता है कि 2+4 और 4+2 सेम होते हैं राइट, तो यानी इररिवर्सिबिलिटी का इसमें एक कैरेक्टरिस्टिक होता है बच्चे के अंदर कि वो पलटना नहीं जानता है, वो जो देख रहा है केवल उतने को ही मानता है, उसके अलावा उस चीज को पलट के नहीं सोच पाता है राइट, ये है प्री ऑपरेशन। उसके बाद नेक्स्ट आता है सिंबल्स का ज्ञान, यानी प्रतीकों का ज्ञान, चिन्हों का ज्ञान, या इसको आप इस तरीके से और कह लो कि वो कोई भी आवाज सुनता है, सपोज वो घर के अंदर बैठा खेल कूद रहा है एंड बाहर से कुत्तों के लड़ने झगड़ने की आवाजें आती हैं, भौंकने की आवाजें आती हैं राइट, इमीडिएट उसके दिमाग में एक क्रिएट हो जाती है कुत्ते की इमेज राइट, तो इन सेंस कि उसको सिंबल्स का ज्ञान, उसको प्रतीकों का, चिन्हों का ज्ञान होने लगता है कि अगर किसी भी चीज की बात करी जा रही है या किसी चीज की उसने आहट सुन ली राइट, तो इमीडिएट उसके दिमाग में ये चीज हो जाएगी, अच्छा ऐसा कुछ हो रहा है, ये जैसे बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है उस हिसाब से उसको पता चल जाता है कि हाँ मेरे पापा के आने की आहट ऐसी है, मम्मी के आने की आहट ऐसी है, कमरे में कोई खुराफात कर रहा है और सडन मम्मा आ जाती है तो उसको आहट से पता चल जाता है, अच्छा ठीक है मम्मा आ गई है, तो मतलब वो सिंबल्स, सिंबल्स कह लो आप उसको, आहट कह लो उसको, आप चिन्ह कह लो, वॉट एवर यू कैन से, उसको उसका ज्ञान हो जाता है, वो चीजों को देखते ही या आहट लगते ही उन चीजों को समझ जाता है कि एक्चुअली क्या चीज है वो, है ना, तो ये गुण और है प्री ऑपरेशनल का। नेक्स्ट है केंद्रीकरण यानी सेंट्रलाइजेशन। केंद्रीकरण का मतलब क्या हो गया, इसको ध्यान से समझिए, इस केंद्रीकरण वाले पॉइंट को हम लोग समझ लेते हैं, इसको मैं आपको यहां थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। सपोज ये ग्लास है मेरे पास, ठीक है, इस ग्लास में हमने इतना पानी बच्चे के सामने रखा है और साथ ही साथ में एक मैंने ये बाउल रख दिया राइट, अब यही पानी निकाल के इस बाउल में रख दिया गया एंड ये बच्चे को ये दिखाई दे रहा है, तो अभी देखिए जो भी बच्चा होगा ना वो क्या कहेगा, जनरली जिस चीज को ज्यादा वो दिखाई दे रहा है वो उसी को पिक करेगा, यानी वो इस ग्लास को लेता है, वो ये जानता है कि ये ग्लास बड़ा दिख रहा है, ऊंचा दिख रहा है, इसलिए इस ग्लास में ज्यादा पानी आएगा या ज्यादा कोल्ड ड्रिंक आएगी, वट एवर जो भी उसको पसंद है, ठीक है, तो वो हमेशा बड़ी चीज को पिक करेगा, उसके लिए मैटर नहीं करता कि वही पानी, उतना ही पानी इस बाउल में भी तो रखा गया है, तो पानी की क्वांटिटी में तो कोई डिफरेंस है नहीं, बट ये बच्चा नहीं समझ पाता। तो दिस इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन या केंद्रीकरण, ठीक है, मतलब इसमें केवल और केवल एक पहलू को ही बच्चा देख पाता है किसी भी चीज के, वो दोनों पहलू नहीं समझ पा रहा है कि एक्चुअली क्वांटिटी सेम है, वो सिर्फ ये देख रहा है कि ये बड़ा ग्लास ऊंचा दिखाई दे रहा है, बाउल छोटी है, फैली है, उससे उसको मतलब नहीं है, तो इसलिए वो उसके इसी गुण को देख रहा है और सिर्फ उसी बेसिस पे वो इसको बार बार पिक करता है। सो ये हो गया बेसिकली केंद्रीकरण, किसी भी चीज के केवल एक पहलू को मानना जो उसको दिखाई दे रहा है राइट, वो दूसरा पहलू नहीं सोच पाता। ओके, नेक्स्ट आते हैं अपनी तीसरी स्टेज पे, दैट इज कॉन्क्रीट ऑपरेशनल यानी मूर्त संक्रियात्मक। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का मतलब क्या हो गया, मूर्त क्या हो गया, जो चीज हमारे सामने या बच्चे के सामने अवेलेबल है, मौजूद है राइट, मतलब कोई भी वस्तु अगर बच्चे के सामने मौजूद है तो उस वस्तु के लिए वो बच्चा चिंतन या हम कह लें तार्किक चिंतन कर सकता है, कोई भी चीज है वो, भले ही ये डस्टर, तो इस डस्टर को देखेगा एंड उसको सोच लेगा अच्छा ये डस्टर है, यानी अब तार्किक चिंतन क्या होगा, इस डस्टर का इस्तेमाल क्या हो सकता है, ओके डस्टर है यानी इसको साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है राइट, साफ भी क्या करना, जमीन, बेड, गद्दा या बोर्ड, तो उस पर वो सारी चीजों को अप्रोच करके देख सकता है, उसको पता चलता है चीज कैसा, हाँ ठीक है डस्टर है तो इसका काम वाइट बोर्ड पे ही होगा ऑब्वियसली, बोर्ड साफ करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, तो मतलब कोई भी चीज उसके सामने है तो उस चीज को चिंतन करना सीखने लगता है राइट, या सीख जाता है। इसकी एज कब से कब तक होती है, ये वाली चीज मिस हो गई थी, 7 years to 11 years यानी 7 वर्ष से 11 वर्ष की अवस्था जो होती है ये होती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल की, जिसमें बच्चा चीजों को देख के समझने लगता है, उसके बारे में चिंतन करने लगता है राइट। नेक्स्ट आता है हमारा संरक्षण यानी कंजर्वेशन। बच्चे को ये क्या पता चलने लगता है, जो चीजें सभी हमने यहां पर देखी थी यानी सेंट्रलाइजेशन के केस में, संरक्षण उसको ये नहीं पता है, कंजर्वेशन नहीं पता है कि जितना अमाउंट ऑफ वाटर इसमें है उतना ही अमाउंट ऑफ वाटर इसमें है राइट, यानी अगर हम बात करें तो आयतन राइट, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में वॉल्यूम, या क्षेत्रफल, या इसको हम बोलते हैं एरिया,
इन चीजों के बारे में उसे पता चलने लगता है कि हाँ अगर चीजें हैं तो वो वॉल्यूम में सेम है, यानी आयतन में समान होंगी, क्षेत्रफल में समान होंगी, तो वो समझने लगता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आ जाता है तुलना करना सीख जाता है। इसको अगर हम इंग्लिश में बात करें तो ट्रांजिटिव इन्फेरेंस, यानी ट्रांजिटिव इन्फेरेंस का एक और अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। सपोज अगर बोल दिया गया बच्चे से कि ए बड़ा है बी से, राइट, एंड यही बोल दिया गया बी बड़ा है सी से, तो मतलब अगर ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है तो ये बच्चा यहां पर ये जान जाता है कि ए बड़ा होगा सी से भी, मतलब ए बी और सी में संबंध स्थापित करना वो सीख जाता है, तुलना करना वो सीख जाता है कि जिस तरह से ए बी से संबंधित है और उसी तरीके से अगर बी सी से संबंधित होगा तो इसी तरीके से ए बी सी से संबंधित होगा, यानी ए ग्रेटर देन यानी ए बड़ा है बी से और बी बड़ा है सी से, तो ऑब्वियसली ए जो है वो सी से भी बड़ा होगा। तो यही है ट्रांजिटिव इन्फेरेंस, यानी तुलना करना वो सीख जाता है चीजों, राइट। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट है, यहां पर आप देख रहे होंगे पलटावी, यानी रिवर्सिबिलिटी बच्चे के अंदर आ जाती है, जो एग्जाम्पल हम लोगों ने यहां पर दिया था, राइट, यानी मतलब कि अगर बच्चे ने सीखा था 4 + 2 = 6 होता है तो उसको यहां से पता चल जाएगा कि 6 - 4 = 2 होगा, 6 - 2 = 4 होगा, या 2 + 4 = 6 होगा। तो मतलब बच्चे को ये पलटावी गुण भी इसके अंदर आ जाता है, ये चीजों को पलट के भी देखना समझना सीख जाता है। ठीक है, तो ये हो गया कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। नेक्स्ट एंड लास्ट आती है, दैट इज फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो फॉर्मल ऑपरेशनल क्या होगी, औपचारिक, मतलब अब यहाँ पर एज देखो, अब 11 वर्ष से ऊपर, तो ऑब्वियसली बात है कि 11 वर्ष से ऊपर के बच्चे काफी समझदार हो जाते हैं, राइट, तो उनको बहुत प्रैक्टिकली हम लोग सोच सकते हैं कि पहली चीज अमूर्त चिंतन, कि अगर उनके सामने कोई चीज नहीं भी है ना तो वो उस चीज के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, वो किसी भी मूवी के बारे में हो सकता है, वो किसी कार्टून के बारे में हो सकता है, वो उनके किसी मैथमेटिक्स के टेबल के बारे में हो सकता है, किसी नंबर व्हाटएवर कोई भी अगर चीज है तो उसके बारे में बच्चा सोच सकता है, यानी अमूर्त चिंतन, चीज को सोचने के लिए उसके सामने होना जरूरी नहीं है, राइट। नेक्स्ट आता है अंतर्ज्ञान की अवस्था भी इसको बोलते हैं, यानी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था को अंतर्ज्ञान की अवस्था भी बोलते हैं, उसको इंटरनल अपना जो एक अवेयरनेस है उसके अंदर ना वो डेवलप होने लगती है, वो जानने लगता है खुद को, अपने इंटरेस्ट को, अपनी चीजों को, राइट। नेक्स्ट आता है निगमनात्मक तर्कणा, जिसको आप लोग बोल देते हैं डिडक्टिव रीजनिंग, राइट, इट मीन्स कि अगर कोई भी सिचुएशन उसको दे दी जाती है तो उस सिचुएशन पे वो तर्क लगा के अपना एक विचार रख सकता है, और न सिर्फ विचार रख सकता है, उस विचार को सही भी सिद्ध कर सकता है। ये हो गई निगमनात्मक तर्कणा, यानी डिडक्टिव रीजनिंग, राइट, केवल तर्क नहीं रखना, तर्क के साथ साथ अपने बात को, अपनी चीजों को सही भी प्रूफ करना, तो वो कर लेता है इस एज में आके, राइट। नेक्स्ट है, दैट इज रचनात्मक चिंतन, यानी क्रिएटिव थिंकिंग। अब यहां पर बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी भी आ जाती है, वो अलग अलग चीजों में अपनी क्रिएटिविटी भी दिखा लेता है, चाहे आप 11 साल से ऊपर के बच्चे हो जिनका डांस में गाने में शौक होता है ना, तो आप देखोगे कि डांस में अगर कोई बच्चा शौकीन है तो वो अपने क्रिएटिव इतना ज्यादा होगा कि वो कुछ ना कुछ अपने नए स्टेप्स निकाल लेगा, राइट, कोई ना कोई चीज ऐसी क्रिएटिव अपनी परफॉर्मेंस पर जरूर डाल देगा। ऐसे अगर किसी बच्चे को पेंटिंग का, ड्रॉइंग का शौक है तो उसमें वो अपनी कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी लगा देगा। इन सेंस कि जब फॉर्मल ऑपरेशनल यानी 11 साल से ऊपर की अवस्था में जो बच्चे होते हैं उनके अंदर क्रिएटिविटी भी आ जाती है, राइट। तो आई डोंट थिंक कि इतनी चीजों में आपको कहीं कोई दिक्कत बची होगी, सारी स्टेजेस हमने कवर कर ली, चारों टर्म्स को कवर कर लिया, राइट। तो अब ओवरऑल एक कंक्लूजन जो निकलता है हमारा प्याजे का, वो कंक्लूजन ये निकल के आता है कि जो प्याजे साहब है उनका ये कहना है कि ये जो भी स्टेजेस है ना ये एज इट इज चलती है, जिसका बाद में खंडन भी किया गया है। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि अगर फॉर्मल ऑपरेशन यानी अमूर्त चिंतन करना है तो बच्चा 11 साल से ऊपर का ही होना चाहिए, इसका बाद में खंडन भी हुआ। और आप भी इस चीज को लॉजिकली सोच सकते हो कि अगर 7-8 साल का बच्चा है, बहुत सारे बच्चे हमारे सामने होते नहीं है कुछ, जिनको हम लोग बोल देते हैं कि गॉड गिफ्टेड है इनके अंदर, है ना, एक्सेप्शनल होते हैं, तो वहां पर क्या होता है उन बच्चों को अगर वैसा आप एनवायरमेंट दे दो, वातावरण दे दो, तो वहां पर वो बच्चे 6-7-8 साल की एज में भी कुछ ऐसा करते हैं, ऐसी उनकी बातें, ऐसे उनके सोचने के तरीके होते हैं जिनको आप सोच नहीं सकते हो कि यार ये फॉर्मल ऑपरेशनल पे अगर चलेगा तो 11 साल से ऊपर की एज में समझ होनी चाहिए थी, राइट। जैसे एक गूगल बॉय बच्चा है कौटिल्य, राइट, तो उसके बारे में हम सभी लोगों ने सुना होगा। अब आप बताओ कि अगर प्याजे साहब के हिसाब से चले तो इतने छोटे बच्चे के पास इतना सारा नॉलेज कैसे आ गया, और वो भी अभी तो बड़ा हो गया है, जब से उसकी शुरुआत हुई थी आप तब से देखो उसको, राइट। तो ऐसा नहीं है,
जब उनके उनको वैसा एनवायरमेंट दिया जाता है, वातावरण दिया जाता है, तो बच्चा उस वातावरण में अपनी से कम एज में भी बहुत सारी चीजों को अडाप्ट कर लेता है, राइट, उसका सोचने का नजरिया बदल जाता है। ठीक बात है। दूसरी चीज प्याजा ने क्या बोला, प्याजा ने बोला पहले आते हैं विचार फिर आती है भाषा। उस थ्योरी को काफी सारे लोगों ने कहीं कहीं पर खंडन भी किया है, हालांकि इनकी जो थ्योरी थी वो उनके हिसाब से सही थी ऑब्वियसली, बट ठीक है, ये हमें फिलहाल ये जानने की जरूरत है। हम यहाँ पे हम कोई क्रिटिक बनकर ही बैठे हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमें जानना था जीन पियाजे की थ्योरी क्या है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है, उसकी स्टेजेस क्या है, वो इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है, राइट, जो बच्चा पैदा होने के साथ साथ धीमे धीमे ग्रो करता है। तो इसी के साथ हमारा जीन पियाजे की थ्योरी खत्म होती है, एंड इसके बाद अब नेक्स्ट थ्योरी पर हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन। चलते हैं, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।